कोरोना वायरस का प्रकोप विश्व भर में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना अब तक 122 देशों में पहुंच चुका है। इसके संक्रमण से मरने वालों की तादाद लगभग 4600 के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत में भी कई जगह कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, जिससे अब उत्तराखंड की शांत वादियों में भी कोरोना की दहशत और तेज़ी से बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं। प्रदेश के स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 मार्च तक छुट्टियाँ घोषित कर दी गई है। वहीं अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर तैयारियाँ की जा रही है। गढ़वाल क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल श्रीकोट में भी कोरोना को लेकर तैयारियां की जा रही है, और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहां आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है। बेस अस्पताल के MS ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा 50 बेड का वार्ड यहां बना दिया गया है। साथ ही L95 मास्क, ट्रिपल एयर मास्क समेत अन्य दवाइयां भी या आइसोलेशन वार्ड में मौजूद है। लेकिन बड़ी मात्रा में ये मास्क भी अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां एक तरफ दहशत का माहौल है, तो वहीं सैनिटाइजर व मास्क की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। कोरोना से बचने के लिए लोग बड़ी संख्या में मास्क की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते दुकानों पर मास्क का अभाव है। ऐसे में जिन दुकानदारों के पास मास्क है, तो वो इसे तय दाम से ज़्यादा की रेट में बेच रहे हैं। सैनिटाइजर व मास्क की डिमांड के चलते मार्केट में लोकल कंपनियों के सैनिटाइजर तेज़ी से पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर कोई केमिस्ट आपसे तय दाम से अधिक में मास्क बेचता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इन चीज़ों की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द होने के साथ उसे 7 साल की कड़ी सज़ा भी हो सकती है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में कोरोना वायरस की दस्तक नहीं है, लेकिन इससे निपटने के लिए व बचने के लिए हम सभी को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जानकारों का भी मानना है कि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोककर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। लिहाजा शासन प्रशासन लोगों को इस वायरस को लेकर जागरूक करने के पर जुटे हुए हैं, फिर चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो या फिर फोन कॉल के जरिए। तो दोस्तों, आप सभी भी एहतियात बरते, साफ सफाई का खासा ख्याल रखें, और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहने, ताकि तेज़ी से फैल रहे इस कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। धन्यवाद।